श्री वृंदावन धाम की अहेतुकी कृपा से हम कैसे भी हों, साधनहीन अजितेंद्री मलिन स्वभाव, तो भी हमें प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रदान करने में समर्थ है श्री धाम वृंदावन। श्रीपाद कह रहे हैं, कामादीनां परवशो यशोर्थी त्यक्त सत्पथः कथं वृंदावने सिद्धिं न यायाद्यदि तत्कृपा। हे भाई, बड़ा मुश्किल होता है काम पर विजय प्राप्त करना। यदि कोई काम पर विजय प्राप्त करने की सोचे तो ये अपना प्रबल रूप दिखाता है। अब अपने सामर्थ्य में कमी नहीं है, क्योंकि हम सच्चिदानंद प्रभु के हैं, पर ये हम भूल चुके हैं, हम पुरुष भाव स्त्री भाव इसमें दृढ़ता धारण कर ली है। इसी कारण बहुत मुश्किल पड़ता है कामादि दोषों पर विजय प्राप्त करना। तो श्रीपाद कह रहे, तुम चिंता मत करो, यदि तुम्हारे अंदर ये दोष प्रबल हो रहे हैं, तुम्हें परास्त कर रहे हैं, तो परम कृपालु वृंदावन आपको इस दोष से मुक्त कर देगा। क्योंकि या तो विशुद्ध तत्वबोध या विशुद्ध प्रेम, दो में ही सामर्थ्य है पूर्ण काम विजयी होने में। अगर प्रेम का स्फुरण हो जाए तो काम विजयी हो जाएगा, या तत्वबोध हो जाए, तत्व ज्ञान होना अलग बात है, बोध होना अलग बात है। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, जो आत्मबोध प्राप्त महापुरुष हैं वो विषय भोग रूपी मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होते। तत्व ज्ञान होना और तत्व बोध होना, दोनों में अंतर है। ऐसे ही भगवत प्रेम की बातें कर लेना और भगवत प्रेम युक्त होना, अंतर है। बातें हैं भगवत प्रेम की, पर भगवत प्रेम स्फुरित नहीं हुआ तो काम रौंदेगा, अपना प्रभाव दिखाएगा, कुचल देगा। श्रीधाम वृंदावन प्रेम समुद्र है। अब निज धर्म आपनों कहत, तहां नित्य वृंदावन रहत, बहत प्रेम सागर जहां। सागर बहता नहीं है, पर यहां कह रहे बहत प्रेम सागर जहां, यहां प्रेम सागर बह रहा है। उत्ताल तरंगे जब समुद्र में आती तो ऐसा प्रवाह दिखाई देता है कि समीप वाले को अंदर घसीट ले जाता है और डुबो देता है। ये प्रेम प्रवाह की उत्ताल तरंगे जब प्रेम समुद्र वृंदावन की उत्ताल प्रेम तरंगे, रसिक महापुरुष जन प्रेमी महाभागवत, ये वृंदावन प्रेम सागर की उत्ताल तरंगे हैं। जो समीप आ गया वो कौन है, कहां का है, कैसा है, किसी परिचय की जरूरत नहीं होती, वो ताल तरंग अपने लपेट में लेकर उसे डुबो देती है। ऐसे ही श्रीधाम वृंदावन प्रेम समुद्र की उत्ताल तरंगे, रसिक महापुरुष जन जो इनके सानिध्य को प्राप्त हो गया हरि की अहेतुकी कृपा से। प्रभु जब द्रवित होते हैं तो भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य प्रदान कर देते हैं। बस उनकी दृष्टि, उनकी वाणी, उनका कृपा प्रसाद हमारे मन की
मलिनता को, शुष्कता को नष्ट कर देता है। हृदय द्रवित हो जाता है और द्रवित हृदय में प्रेम स्फुरित होता है, शुष्क हृदय में सुख के अभाव की वृत्ति में काम का प्रभाव होता है। निज सुख बिन मन होई कि थीरा, जब परमात्म सुख, भगवत सुख, प्रियालाल के चरणों का सुख स्फुरित होता है तभी मन एकदम शांत हो जाता है। इसलिए कह रहे तुम चिंता मत करो। कामादि नाम परवशो, यदि तुम कामादि दोषों के अधीन हो तो चिंता मत करो। श्रीधाम वृंदावन प्रेम समुद्र है, जड़ से काम नष्ट हो जाएगा देख लेना। बस आश्रय दृढ़ता से लो। सबसे बड़ा शत्रु यही है काम, चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे योग मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, कर्म मार्ग हो, गृहस्थी विरक्ति कोई मार्ग हो, इस सब पर प्रहार करता है। इसकी बहुत बड़ी सामर्थ है, पर वो सामर्थ अज्ञान के कारण ही है, देहाभिमान के कारण ही है। यदि तत्व बोध हो जाए या भगवत प्रेम हो जाए तो फिर इसकी सत्ता ही नहीं है, यह असत है। ये आगमा पाइनो अनित्यास तास तितिक्षस्व भारत, ये आने जाने वाला है, ये अनित्य है, इसकी सत्ता नहीं है। पर ये तब जब भगवत आश्रय दृढ़, निरंतर भजन परायण और भगवत ममता का प्रादुर्भाव, प्रभु से इतना अपनापन कि उनकी अपनापन वृत्ति के सामने त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी भी फीकी लगे, तब कोई भी दोष उसे परास्त नहीं कर सकता। और ये श्रीधाम वृंदावन कृपा करके आपको प्रदान करेगा, बड़ी महिमा है। श्रीपाद कह रहे यशोर्थी, यदि तुम्हारे हृदय में कहीं ऐसी लालसा आ गई है कि मेरा संसार में बहुत यश हो जाए, अज्ञान की बात है, ये भी अज्ञान से ही उत्पन्न होता है। मान, प्रतिष्ठा, गौरव, यश, ये सब अज्ञान की भूमिका पे ही होते हैं, अपनी चाह नहीं होनी चाहिए। आप पुण्य श्लोक प्रभु श्री हरि का यश गान करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, तो पवित्र कीर्ति का विस्तार अपने आप हो जाएगा, आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। और यदि आप उसका भोग करते हैं पवित्र कीर्ति का स्वयं में मान करके, तो वही आपके भगवत प्रेम में बाधा बन जाएगी। इसलिए यदि यश की भी आकांक्षा है, यशोर्थी यश चाह है, तो आप वृंदावन का आश्रय ले लीजिए। हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी टेढ़े रहे मोहन रसिया सो, इससे बड़ा कोई यश होगा? जगत नमस्कार करे, यही तो यश की चाह होती है। यहां तो जगदीश नमस्कार कर रहा है। यश्यास्ते बत किंकिरीषु, श्री जी की जो किंकिरी है उनकी चरण वंदना, उनकी चाटुकारिता, इससे बड़ा यश क्या हो सकता है? प्रभु विनय पूर्वक सहचरियों से कहते हैं, सखियों से, आप तो नित्य और निरंतर सेवा सुख लेते हैं, आज हमें प्रियाजू की अमुक सेवा करने दीजिए। विनय करते हैं, बहुशस चाटून वृंदाटवी, बड़े विनम्र वचनों से दुलार करते हुए सखियों को मनाते हैं। यस्यास्ते बत्किं क्रीषु, बहुशस चाटून वृंदाटवी, कंदर्पाह कुरते तवैव किमपि प्रेप्सु प्रसादोत्सवम। आ, प्रिया कृपा के लिए, प्रिया सेवा प्रसाद के लिए, प्रियाजू की नित्य दासियों की, सहचरियों की चाटुकारिता करते हैं, वंदना करते हैं, इससे बड़ा सौभाग्य अनंत ब्रह्मांडों में, अखिल उपासनाओं में क्या हो सकता है? प्रभु स्वयं इतना प्यार दुलार विनय करते हैं,
हमें उस पर दृष्टि रखनी है। पार्थिव शरीर के गुण धर्म को लेकर लोक यश की कामना ये भगवत प्रेम में बहुत बाधक है। अगर ऐसा है भी तो तुम चिंता मत करो, वृंदावन धाम इस अज्ञान धरा को हटा देगा और आप प्रिया प्रीतम के यश में डूब जाएंगे। त्यक्त सत्पथा, यदि तुमने अभी तक सतमार्ग में चलना ही नहीं सीखा है, अधर्माचरण, पापाचरण, मनमानी आचरण, सतमार्ग का त्याग किए हुए चलते रहे हो, तो भी तुम चिंता मत करो, बड़ा कृपालु वृंदावन श्रीपाद करे। त्यक्तो सत्पथा, तो तुम चिंता मत करो, वृंदावन का आश्रय ले लो, वृंदावन धाम का आश्रय ले लो। कथम वृंदावने सिद्धिम न यायाद यदि तत्कृपा, कौन सी ऐसी सिद्धि है, कौन सा ऐसा परम लाभ है जो वृंदावन की कृपा से नहीं हो सकता, सब हो सकता। तुम कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, तुम यश चाह करने वाले हो, सतमार्ग का त्याग कर दिया अर्थात कुमार्ग गामी हो, तो भी तुम चिंता मत करो, श्रीधाम वृंदावन का आश्रय ले लो, वास स्वीकार करो, ये धाम आपको परम पवित्र कर देगा, प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रदान कर देगा। विशुद्ध सत्व परमे श्रीमद वृंदावन त्वयि कृतानंतापराधस्य त्वमेव शरणम् मम। एक दो अपराध नहीं, कोई अनंत अपराध करने वाला हो वर्तमान में तो भी, जिसने एकमात्र वृंदावन का वास स्वीकार कर लिया, अब कुछ भी हो, ये जन्म तो प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए ही अब जितनी श्वासें बची हैं समर्पित करता हूं, प्राण निकल जाए, भयंकर दुख मिले, अपमान मिले, असुविधा मिले, तो भी अब वृंदावन छोड़ने वाला नहीं। तो श्रीधाम वृंदावन विशुद्ध सत्व परमे किसके ऊपर, बोले कृतानंतापराधस्य, अनंत अपराध गिनती नहीं कितने पापाचरण करता है वर्तमान में, ये बुद्धिगत बात नहीं, ये कृपा की बात है। घोर अपराधी है और राष्ट्रपति ने क्षमा कर दिया, क्षमा हो गया, सिद्धांत से कानून से उसे सजा पक्की हो गई, मृत्यु सजा, राष्ट्रपति ने क्षमा कर दिया। ये वृंदावन अनंत ब्रह्मांडों के अधीश्वर प्रभु को अपने अधीन किए हुए, प्रेम अधीन इनकी गोद में खेलते हैं श्यामा श्याम वृंदावन की। आप त्वमेव शरणम मम, वृंदावन आपकी मैं शरण में हूं, नीच हूं, पापी हूं, अपराधी हूं, आप देख लो, वृंदावन देख लेगा। कह रहे सारे अपराधों को क्षमा करके विशुद्ध सत्व में हृदय कर देगा, ऐसा ही है। भक्तों के चरित्र पढ़ करके देखो, कई ऐसे महाभागवत हुए हैं जिनका प्रथम सोपान जीवन का बहुत ही इंद्रियों के वशीभूत देखा गया, जब कृपा हुई तो वही इंद्रियातीत तत्व में स्थित पाए गए, दोनों देखी गई बातें। पहला सोपान विषयों ने परास्त कर दिया, घोर विषयी, दूसरा सोपान कृपा का, महान ब्रह्म ऋषियों की स्थिति में विराजमान। देखो बिल्व मंगलाचार्य जी, कई ऐसे वैश्याओं के प्रसंग आते हैं, कई ऐसे भ्रष्टाचरण वाले के महात्मा बन गए, ईश्वर कोटि के महात्मा बन गए, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। कहो कृपाते कहा न होई, प्रभु कृपा कर दे तो क्या नहीं हो सकता, इसलिए कह रहे। और ये
महापुरुषों के वचनों से भी सुना। जब यहां श्रीधाम वृंदावन में वास मिला तो एक भय सताया कि ऐसे परम पावन धाम में मलमूत्र का त्याग होगा जहां हमारे प्रिया प्रीतम क्रीड़ा करते हैं, विहरते हैं। मनुष्य शरीर है, कोई त्रुटि हो गई तो अक्षम्य अपराध जैसा भावना में लगता। पूछा कि इस तरह के जैसे अपराध हो जाते हैं, क्योंकि जब बराबर हम रहेंगे तो जैसे अपने घर में रहते हैं ऐसे रहेंगे, धाम की भावना तो थोड़े दिन ये धाम ऐसा, फिर लगता है मेरा घर है, मेरा वृंदावन, मेरु वृंदावन, प्राण वृंदावन, मेरा जीवन वृंदावन। जैसे अपने घर में कोई संकोच नहीं होता ऐसे तो जो अपराध बन जाएंगे वो क्या। तो उन्होंने कहा जिसने आजीवन वृंदावन का नियम ले लिया है देखो वही कृतानंतापराधस्य, वृंदावन नहीं देखता, अनंत अपराध हो जाए तो भी उसके हृदय में विशुद्ध प्रेम प्रकाशित करता है। एक कहा जाता है बकाया जब वृंदावन धाम का आप आश्रय ले लेंगे, ये सूक्ष्म बात है या विज्ञानानंद घन की बात है, जब हम शरीर का आश्रय लेते हैं और सुख भोगने के लिए संसार भोगों का आश्रय लेते हैं तो हमारे अंदर अपराध प्रवृत्तियां बढ़ती हैं। जब हम नाम धाम रूप लीला का आश्रय लेते हैं तो हमारे अंदर दैवी सद्गुण बढ़ते हैं, तो अपराध की संभावना नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे आश्रय पुष्ट होता है प्रभु का, धाम का, वैसे वैसे वासनाएं क्षीण स्वाभाविक होती जाती है। पर एक कहा जाता है कि डरना नहीं है, अगर अनंत अपराध भी हो जाएंगे तो धाम आपके हृदय को विशुद्ध प्रेम में बना के छोड़ेगा, क्योंकि धाम का अपना स्वभाव प्रभाव है। जैसे हमारा अपना स्वभाव है ऐसे धाम का अपना स्वभाव है। हमारा मलिन स्वभाव है तो मलिन आचरण छूट नहीं पा रहे, तो धाम का निर्मल करने का और प्रेम प्रदान करने का स्वभाव है वो कैसे छोड़ देगा। वृंदारण्ये तवास्मीति वदन्तमपि माम् मृषा महापतितमप्यात्मो कारुण्यादात्मसात् कुरु। जिसने ऐसा बोल दिया, हृदय से नहीं वाणी से ही बोल दिया कि हे वृंदावन तवास्मीति मैं आपका हूं, ये धीरे धीरे गले में उतरेगा फिर हृदय में आएगा। पहले वचन से ही शरणागति होती है, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, फिर धीरे धीरे वो आचरणों में उतरती तो शरीर समर्पित, मन में उतरती है सूक्ष्म शरीर समर्पित, जब वचन चेष्टा मन तो स्वभाव परिणित हो जाता है। यह जो पर्यो मुई सहज स्वभाव श्री हरिवंश नाम रस चाओ नाव सुदृढ़ भव तरन को, जहां स्वभाव परिवर्तित हुआ भगवत भाव जागृत हो गया। वृंदारण्य तवास्मीति वदन्तमपि माम मृषा, अगर मृषा माने झूठा, अंदर से अभी वासना का खेल है, अंदर से अभी अहमता ममता संसार में है, पर वाणी से शुरू कर दिया हे वृंदावन मैं आपका हूं, हे प्रियालाल मैं आपका हूं, आप मेरे हैं तवास्मीति। तो चाहे जितना पतित हो, बड़ा सूक्ष्म विषय है, जैसे किसी बड़े समर्थ के दरवाजे पे बैठा है, कोई परिचय उससे नहीं, उसके दरवाजे पे कोई उसे पीट जाए ऐसी हिम्मत नहीं। अगर ऐसा कुछ है भले उससे परिचय नहीं तो उसको जहां सूचना मिलेगी तो उसको दंड देगा कि तुम्हें यह पता है कि मेरे दरवाजे पे बैठा है तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि हमारे दरवाजे में आके तुमने पीट दिया। उसकी बात नहीं, बात मेरे दरवाजे की है, बात समझो। वो तो अल्पज्ञ है और एक थोड़ी सी सामर्थ्य वाला है कोई भी हो, लेकिन अनंत सामर्थ्य वाला और सर्वज्ञ प्रभु है, वही प्रभु धाम स्वरूप से भी है।
यदि आप धाम वास करते हैं तो कोई भी काल कर्म स्वभाव गुण ये जो माया का घेरा है ये उसे पीट नहीं सकता, परास्त नहीं कर सकता, भले उसे प्रभु से परिचय हो या ना हो, इस भूमि के प्रभाव से उसका निश्चित निश्चित परम कल्याण हो जाएगा। विश्वास, ये मार्ग विश्वास का है। धाम का आश्रय, धाम का वास, महापतितु मप्यात्मो कारुण्यादात्म सात कुरु। आप लोगों को भी ऐसा संकेत अगर काफी दिन से धाम का सेवन कर रहे तो होता होगा, यहां अचानक वृत्ति डूबती है, बिल्कुल ऐसे ही व्यवहार में अचानक। कई बार अनुभव, धन्य है वृंदावन, कोटि कोटि प्रणाम, ये केवल आपकी कृपा। अचानक समस्त वृत्तियां एकदम समाहित होकर प्रभु में लीन हो रहे, कोई उस समय साधन नहीं, कोई उस समय ऐसी एकाग्रता करने की भावना नहीं, अचानक कोई भी प्राकृतिक दृश्य, कोई भी प्राकृतिक बात एकदम बिल्कुल जैसे कोई फिसलन में फिसल गया और डूब गया, ऐसे होता है। यहां फिरे स्वार्थ आपने और भजन गहे फिरे बाह, वृंदावन में स्वार्थ उलट भजन हो जात। ओहो, और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थ वो अपने स्वार्थ से व्यवहार में है, अचानक ऐसी। यहां दर्शन दुर्लभ नहीं है, बस दर्शन की लालसा दुर्लभ है, वो रसिकों के संग से लीला गायन श्रवण से आती है। नाम वाणी में बड़ी सामर्थ है, श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी, सो जुबानी रसिक नित्य निस्दिन रटत, कहत अर सुनत रस रीति जानी, ताहि तजी और गाउन कबहू कछु, प्राण रमि रही हरिवंश बानी। निश्चित परम सत्य, एक एक अक्षर में प्रिया प्रीतम का अद्भुत रूप विराजमान, श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। एक बार लग जाओ, एक बार केवल औषधि की तरह पान करो, मान लो बात, प्रिया प्रीतम की रस समुद्र ये पद जो है इनको अपना जीवन बना लो, गुनगुनाते रहो। कभी नाम चल रहा है, कभी मंत्र चल रहा है, कभी चतुराशी जी का पद चल रहा है, 42 लीला के कोई पद चल रहे हैं, नागरीदास जी महाराज का पद चल रहा है, हरिराम व्यास जी के, स्वामी जी महाराज के पद, अपने पास इतनी सामग्री है प्रेम रस की, फिर भी यदि आपका मन इन वाणी में नहीं लग रहा है, नाम में नहीं लग रहा है, तो आप धाम को पकड़ लीजिए कि चाहे जितनी दुर्दशा हो जाए हम धाम नहीं छोड़ेंगे, तो परम पद मिल जाएगा, विश्वास मान लीजिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, ये वेदातीत वेद है, ये वेद माने रहस्य बताने वाला, जो उस अनंत महावैभव संपन्न भगवान का वांग्मय स्वरूप वेद है, तो ये भगवान का रस महामाधुर्यमय वेद है, ये भगवान के रस को महामाधुर्य को प्रकाशित करने वाला। महापतित मप्यात्म कारुण्यादात्म सात कुरु, वृंदावन आत्मसात कर लेता है, कैसे को, महापतित हो तो भी, और आत्मसात करने का मतलब वृंदावन का प्रेम उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कहा जा रहा कि आप पतित हो जाइए, आप गंदे आचरण कीजिए, आप अपराध कीजिए, अगर आपसे मायाकृत ऐसे दोष हो गए हैं, हो रहे हैं, तो भी आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहां आपको उत्साह देते हुए परम सत्य का बोध कराने के लिए कहा जाता है, अगर आप इसका दुरुपयोग करेंगे तो दंडनीय अपराध है। औषधि औषधि के लिए है, रोग बढ़ाने के लिए नहीं है। आपने हृदय में विचारा कि कितना नीच आचरण मेरे से होता है,
सुना है जीवन का लक्ष्य भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति, कैसे मैं कर सकता हूं? तो यहां आपको भरोसा देते हैं, दृढ़ विश्वास देते हैं कि आप चाहे जैसे हो, काम के वशीभूत हो, यश के वशीभूत हो, सतमार्ग का त्याग कर दिया है, अनंत अपराध करने वाले हो, आगे करे नित्योच्छृंखल कारुण्य वृंदारण्ये अधमोऽप्यहम् किम विघ्नं निवत्स्यामि वेत्स्यामि च रसं हरे। आहा, कैसा असीम कृपा में वृंदावन है। मैं नित्योच्छृंखल, नित्य उच्छृंखल वृत्तियों को देखता हूं, जब जो चाहती है वैसा उद्दंडता करा देती है। उच्छृंखल हमारे वश में नहीं है, पर वृंदावन की करुणा को सुना है, बहुत करुणा में वृंदावन है। मैं अधम हूं ये स्वीकार करता हूं, पर अखंड वृंदावन वास में मैं विघ्न स्वीकार नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी बात हो गई। मैं अधम हूं, मेरी वृत्तियां उच्छृंखल हैं, शास्त्र सम्मत सिद्धांत से नहीं चलती हैं। माना मैं अधम नीच हूं, पर मैं आजीवन वृंदावन वास स्वीकार करता हूं और इसका विघ्न स्वीकार नहीं कर सकता। अर्थात वृंदावन से किसी भी स्थिति में मैं इसको त्याग नहीं सकता, दूर नहीं हो सकता। तो क्या बोले, श्री हरि के प्रेम रस विषय का वो ज्ञाता हो जाएगा। ये महापुरुषों के वचन हैं, इसमें तर्क नहीं चलता। ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे एक मणि, पारस मणि, जंग लगे हुए अशुद्ध अपवित्र लोहे को भगवत आभूषण बनने वाले स्वर्ण का रूप दे सकता है। एक जड़ प्रकृति की मणि, पारस मणि, अशुद्ध अपवित्र जंग लगे हुए लोहे को स्वर्ण रूप दे सकता है, तो चिदानंद वृंदावन धाम भगवत स्वरूप दे दे तो कौन से आश्चर्य की बात है। बिना साधन के भगवत स्वरूप, क्या उस लोहे ने साधना की? सेवक जी महाराज, आलय बन बसत संग पारस के आयस कनक समान भयम्। जैसे अपवित्र किसी प्रयोग में न आने वाले लोहे को पारस मणि छू दे तो बंदनी आभूषण स्वरूप भगवत स्वरूपों के वो स्वर्ण बन जाता है। ऐसे ही वृंदावन वास स्वीकार करने से, वृंदावन का आश्रय लेने से परम पद प्राप्त हो जाता है। आलय बन बसत संग पारस के आयस कनक समान भयम्। मांगो मन मनसी दासी अपनी करी पूर्ण काम सदा हृदयम्। हे पूर्ण काम, आपको मेरी जरूरत नहीं है क्योंकि आप पूर्ण काम हैं, पर नाथ मुझे आपकी जरूरत है। मैं आपके श्री चरण दासता के लिए आपसे मांगता हूं कि मुझे अपनी निज दासी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। हे प्रिया प्रीतम, हे वृंदावन धाम, किम विघ्नम निवत्स्यामी वेत्स्यामी चरसम हरे। जो ये दृढ़ निश्चय कर लेता है कि हर विघ्न बर्दाश्त करूंगा, पर वृंदावन का और हमारा जो संबंध है इसके बीच का विघ्न स्वीकार नहीं करूंगा, तो हरि रसम ज्ञात्वा, वो प्रभु के प्रेम रस का ज्ञाता हो जाएगा। मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसरे, ये है प्रेम रस का ज्ञान। प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने के लिए ऐसी उसकी महान प्रेम वृत्ति जागृत होती कि मेरी प्यारी जू के मन में क्या चल रहा है, लालजू के मन में क्या चल रहा है, कैसे उनको सुख पहुंचाए, ये स्थिति वृंदावन प्रदान करता है। हम जैसे भी हैं, इस जन्म को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। देख लिया संसार का सुख, अब क्या है भगवदानंद, इसका भी तो एक बार स्वाद लीजिए। मनुष्य शरीर मिला है, बहुत जन्म हो गए भोगों को भोगते हुए, आप जितनी श्वासें बची हैं इस जन्म में हम प्रिया प्रीतम के प्रेम रस का स्वाद लेने की ठान लें, प्राण तो जाएंगे ही, आज नहीं तो कल चले जाएंगे।
ये बिल्कुल सत्य समझो, ये शरीर टिकेगा नहीं, प्रतिपल मृत्यु की ओर जा रहा है। पर अविनाशी चिंतन करके नाम का, धाम का, रूप का, लीला का, हम ऐसे धनी बने कि जहां हमारी स्थिति है इससे नीचे तो ना गिरे, मनुष्य शरीर से नीचे योनियों में ना जाए। अगर चूक हो जाए तो हमारा फिर जन्म किसी महाभागवतों के बीच में हो और हम प्रिया प्रीतम के लिए तड़पते हुए अपना जीवन उनके प्रेम में बिताए, आगे की सोच ही ना रखें। अगर तन्मयता हो जाए तो एक सेकंड में भगवत प्राप्ति है। राधा, प्राण छूट गए, अब गए श्री जी के पास, बस इसी के लिए तो अभ्यासरत है। पाप हो आप तो यहां कोई उनकी सत्ता ही नहीं रह जाती, एक कण लग जाए वृंदावन की रच का, समस्त तीर्थों के अवगाहन का जो फल वहां की एक एक रज कण के बराबर नहीं, क्योंकि जो रज शिव शनकादि की याचत सो रज शीश चढ़ाओ, ये वृंदावन है। ऐसा हमें सौभाग्य मिला है इस धाम में आने का, दर्शन का, परिक्रमा का, वास का, सत्संग का। अब चूक नहीं होनी चाहिए, ये जन्म हमारा सार्थक हो जाए।